हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे, जो कि लेक्चर नंबर 6 में हम लोग पहला हेडिंग हमारा है ओम के नियम के अपवाद, ठीक है, जो कि रैखिक वीआई अभिलक्षण होगा, सॉरी अरैखिक होगा, रैखिक नहीं होगा, अरैखिक होगा। तो इसको समझिए, इसमें होता क्या है कि जैसे जब किसी धातु का हम तार वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो उसमें धारा का मान बढ़ता जाता है, ठीक है, लेकिन जब ज़्यादा धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें अंदर टक्करों के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे तार का ताप बढ़ जाता है और उस ताप के बढ़ने से उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो उस समय हम जैसे जैसे विभवांतर बढ़ाएंगे उस अनुसार धारा नहीं बढ़ती, ठीक है। तो इसी को हम लोग इसमें स्टडी करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा गया है कि प्रत्येक विद्युत परिपथ में ओम के नियम का पालन नहीं होता, यानी हर एक विद्युत परिपथ ओम के नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है। यदि हम किसी परिपथ में प्रतिरोध तार के स्थान पर एक टार्च का बल्ब लगाकर उसमें विभिन्न विभवांतरों पर विद्युत धारा प्रवाहित करें, यानी तार ना लगाकर एक टार्च के बल्ब की बात करेंगे, तो विभवांतर बी व आई धारा आई के बीच जो ग्राफ पूर्ण रूप से सरल रेखा नहीं होता, यानी टोटली सरल रेखीय नहीं आता है, पहले सरल रेखा में होता है, बाद में वह वक्राकार होता है। इससे यह पता चलता है कि V अपान I इक्वल टू R नियत रहता है, परंतु बाद में विभवांतर B बढ़ने पर बढ़ता रहता है। यानी जैसे जैसे सुनिए, होता क्या है कि पहले तो कुछ सरल रेखीय आएगा, यानी उसके बाद क्या होगा, वक्राकार आएगा। इसका ये मतलब है कि कुछ देर तक ये हुआ कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते गए धारा का मान बढ़ता गया, आर हमारा क्या रह गया, नियत रह गया। बाद में क्या हुआ कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाए धारा बढ़ती गई, उसके बाद क्या हुआ, आर नियत नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया, क्योंकि जब किसी कंडक्टर में कोई करंट प्रवाहित होगा या फ्लो होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवेशन होता है, इलेक्ट्रॉन चलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो कहीं ना कहीं जो धन आयन बनते हैं उनसे क्या करते हैं, टक्कर करते हैं। तो उन टक्करों के कारण क्या होता है, इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस उत्पन्न ऊष्मा के लिए हीट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, इसमें ऊष्मा उत्पन्न, जिससे गर्म होने से क्या होगा, ताप बढ़ेगा, या टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टी का ताप बढ़ जाएगा, तो प्रतिरोध क्या होगा, इसको हमने पिछले लेक्चर में बता चुके हैं ना। तो होता क्या है कि एक निश्चित मान के बाद यदि हम वोल्टेज बढ़ाने लगते हैं तो धारा तो बढ़ती है लेकिन प्रतिरोध का मान भी बढ़ने लगता है, और एक समय यह आता है कि जब बल्ब में ज़्यादा वोल्टेज देंगे, ज़्यादा धारा प्रवाहित हो जाएगी, तो ये प्रतिरोध इतना बढ़ जाएगा कि कभी कभी अनंत हो जाएगा, और जब प्रतिरोध अनंत हो जाएगा तो बी अपान आई इक्वल टू इनफाइनाइट, देन आई इक्वल टू जीरो, धारा का मान, यानी उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। तब हम क्या कहते हैं कि हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे लेकिन धारा का मान ज़्यादा तेज़ी से नहीं होगा, बहुत स्लो होगा, उसके बाद धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा कांस्टेंट, वोल्टेज बढ़ते जाएगा, धारा नीचे ऊपर नहीं जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, जहाँ जा रही वहीं जा रही। कभी कभी ये कंडीशन आते हैं कि फ्यूज भी जाते हैं बल्ब, बल्ब जलते रहेगी जलते रहेगी, उनका तंतु होगा अंदर, जो टंगस्टन तंतु लगे होते हैं वो क्या हो जाएंगे, गर्मी के कारण गल जाते हैं, प्रतिरोध ज़्यादा हो जाता है तो गर्म हो जाता है और कट जाता है और जलता नहीं है, या कभी कभी तार वगैरह जल जाते हैं, तो जलने का कारण यही होता है, इसके इलेक्ट्रॉन आपस में टक्कर करते रहते हैं। जब ज़्यादा समय तक चलता रहेगा या तो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, तो प्रतिरोध क्या करेंगे, बढ़ता जाएगा और उसके बाद कट जाएगा, धारा का मान शून्य हो जाएगा, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है। तो यही आपको पढ़ना था इसमें, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी, तो आप इसको नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद हम लोग अगला हेडिंग ले रहे हैं। हो गया, चलिए बच्चों, जो अगला हेडिंग होगा हमारा उसको पढ़ना है प्रतिरोधों का संयोजन, यानी आप लोग को प्रतिरोध पढ़ा चुके हैं ना, प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे। तो ये प्रतिरोध होता क्या है, प्रतिरोध कहीं अलग से नहीं आते हैं, प्रतिरोध तो कुछ आता ही है अलग से, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट लगे हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, तो उनको कैसे जोड़ते हैं हम ये समझेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे प्रतिरोधों का संयोजन।
प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन होगा क्या? तो सबसे पहले जैसे हम लोग संधारित्रों का संयोजन पढ़े हैं, इसी तरह से पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, जो हमारा पहला होगा होगा श्रेणीकरण संयोजन। क्या होगा? प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन। ठीक है, इसमें होता क्या है कि प्रत्येक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा हो और अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ा हो, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। क्रम कहलाता है। ठीक है, चलिए इसका डेरिवेशन देखते हैं कैसे होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे समझ लेंगे कि पहले मान लीजिए कि एक प्रतिरोध ये है, प्रतिरोधों का हम लोग डायरेक्शन ऐसे चिन्ह ऐसे शो करेंगे। इसमें मान लेंगे वी वोल्ट की हमने बैटरी लगा दी है, तो यहाँ मान लीजिए प्लस ये माने वी वोल्ट की बैटरी, तो इस पर वोल्टेज भी होगा, इस पर शून्य होगा, तो जो करंट फ्लो होगा हमारा आई, क्या फ्लो होगा? करंट। तो इसमें मान लेते हैं कि ये प्रतिरोध R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो इसमें प्रतिरोध I जाएगा धारा, तो वही धारा इसमें जाएगी और वही धारा इसमें जाएगी, वही धारा यानी एक धारा I निकली और जाते जाते सबसे एक परिपथ बनाती हुई चली आई। अब यदि V इक्वल टू आई आर है, तो यदि धारा समान बह रही है तो यदि प्रतिरोध बदलेगा तो वोल्टेज जरूर बदलेगा। यहाँ पर ये नियत है, तो हम कह देंगे कि जो इनके बी वोल्टेज है तो इनके सिरों के बीच विभवांतर V1 है, प्रतिरोध जो दूसरा लगा है उसमें जो विभवांतर है कितना है? V2 है, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। ठीक है, तो हम मानेंगे, माना तीन प्रतिरोध R1 R2 व श्रेणी क्रम में बी वोल्ट की बैटरी से जुड़े। ठीक है, तो बताइए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री, इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे। और बी इक्वल टू होता क्या? आई इंटू आर। B1 वन इक्वल टू क्या जाएगा? I इंटू, और B2 टू इक्वल टू क्या जाएगा? I इंटू, और V इक्वल टू I इंटू। जहाँ जहाँ V है तहाँ तहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो V की जगह क्या जाएगा? I इंटू
आई इंटू सब में आई बराबर, तो आर इक्वल टू क्या जाएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। बताइए जो टोटल प्रतिरोध आएगा, तुल्य प्रतिरोध आएगा, वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा, यानी परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, पहली बात। तो बताइए धारा का मान क्या होगा, घट जाएगा, करंट क्या होगा, घट जाएगा। तो परिपथ में प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। पर देखिए श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे तो प्रत्येक प्रतिरोध में यानी हर एक कैपेसिटर में हर एक रेजिस्टेंस में क्या होगा, आई धारा प्रवाहित होगी, यानी धारा समान प्रवाहित होगी। उनके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है, क्योंकि प्रतिरोध उनका क्या है, अलग अलग है। यदि हम सबको जोड़ देंगे तो जो हमारा टोटल तुल्य प्रतिरोध आएगा, मतलब टोटल प्रतिरोध आएगा सबको जोड़कर, वो बढ़ा हुआ मिलेगा। यदि प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो धारा का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई फायदा नहीं हुआ। टारगेट क्या होता है, कैपेसिटर में हमारा लक्ष्य था कि कैपेसिटी बढ़ जाए, यहाँ क्या होगा कि प्रतिरोध घट जाएगा तभी तो धारा बढ़ेगी, ठीक है। तो हम श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ेंगे क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है और प्रत्येक प्रतिरोधों के में प्रवाहित धारा का अनुपात 1:1 होगा। क्यों, क्योंकि सब में धारा क्या है, बराबर प्रवाहित है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए। चलिए बच्चों जो अगला हेडिंग होगा समांतर क्रम संयोजन होगा। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे। इसमें होता क्या है कि सभी प्रतिरोध के का एक सिरा बैटरी के धन टर्मिनल से तथा सभी सिरों प्रतिरोध के दूसरा सिरा बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के धन टर्मिनल से तथा दूसरा सिरा ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं, इस संयोजन में ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के धन टर्मिनल से तथा दूसरा सिरा ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। कौन सा क्रम संयोजन कहलाएगा, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर क्या होगा, समान होता है, परंतु धारा क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। चलिए इसको हम देखते हैं, इसका डायग्राम देखें, डेरिवेशन देखें कैसे बनेगा। मान लीजिए कोई पॉइंट ये है, इधर बी है, मान लीजिए पहला प्रतिरोध है,
पहला प्रतिरोध का मतलब ये मान लेंगे कि हमने पंखा लगा रखा है, दूसरे प्रतिरोध का मतलब मान लेंगे कि हीटर लगा रखे हैं, तीसरे का मतलब होगा कि हम टीवी भी लगा दिए हैं लाकर, और चौथे का मतलब होगा कुछ और ला के लगा दिया गया। ठीक है, ये सब प्रतिरोध लगे हैं। प्रतिरोध का मतलब ऐसा नहीं कि प्रतिरोध ही होता है, इसका मतलब जो आप इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं वो भी तो लाइट खाता है, करंट इंगेज करता है, उसको भी हम प्रतिरोध के नाम से ही जानेंगे। ठीक है, तो होगा क्या, इनको एक बैटरी से जोड़ देंगे, फिर बैटरी से जोड़ेंगे, मान लेते हैं जो बैटरी है वो बी वोल्ट की है, ये माइनस सिरा ये प्लस सिरा, तो यहाँ पर बी वोल्ट है, यहाँ पर जीरो वोल्ट होगा, यहाँ पर बी वोल्ट होगा, यहाँ पर जीरो वोल्ट होगा। हम लोग को पता है किसी भी परिपथ में जो आवेश का प्रवाह होता है या करंट चलता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चलता है, तो जो करंट चलेगा इधर से इधर की ओर जाएगा। अब हम ये मान लेंगे कि वोल्टेज जो V है वो इसमें भी V होगा, इसमें भी V, यानी सब में वोल्टेज क्या है, समान है, सबका विभव क्या होगा, समान होगा। लेकिन मान लेंगे कि जो पहले में धारा जाएगी वो I1 है, दूसरे में I2 है, तीसरे में I3 है, और चौथे में I4 है। तो मानेंगे क्या, इसका डेरिवेशन करने के लिए आपको एग्जाम में मानना भी पड़ेगा, थोड़ा लिखना पड़ेगा, माना R1, R2, R3 वारपुर चार प्रतिरोध परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिनके सिरों के बीच विभवांतर समान है। तो अब हम ये देखेंगे कि बैटरी से कितनी करंट निकल रही थी, आई, तो समान है, तथा प्रत्येक प्रतिरोध में धारा भिन्न भिन्न है, कैसी है, सॉरी नाना प्रकार की है, अलग अलग है। तो कुल धारा I बराबर क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3 और प्लस I4। इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए और पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद नोट कीजिए। ठीक है, हम लोग को पता है यार V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर, देन I इक्वल टू क्या आ जाएगा, V अपान आर। V तो सब में समान है, तो I1 होगा तो V अपान R1 हो जाएगा, I2 होगा तो V अपान R2 हो जाएगा, और I3 होगा तो V अपान R3 हो जाएगा, और यदि I4 होगा तो V अपान R4 हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, समीकरण एक में I, I1, I2, I3, I4 का मान रखेंगे, बोलो, तो लिखेंगे समीकरण एक से, यदि I का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, V अपान आर वन करेंगे, V अपान V से सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा वन अपान आर इक्वल टू वन अपान आर वन, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसको करेंगे क्या, हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो तुल्य प्रतिरोध आ रहा है प्रतिरोध कम आ रहा है, तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा, वो कम हो जाएगा। तो लिख लेंगे कुछ पॉइंट, तुल्य प्रतिरोध घट जाएगा, जब घट जाएगा तो धारा क्या होगी, यानी यदि हम प्रतिरोधों को यानी किसी इंस्ट्रूमेंट के घर में वायरिंग कराना है या कुछ भी कराना है या कहीं कुछ चीज़ें जोड़नी है तो हम कैसे जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। समांतर क्रम में होता क्या है, टोटल प्रतिरोध जोड़ने के बाद कम हो जाता है और धारा क्या होगी, बढ़ जाएगी, और हमारा मकसद वही होता है कि धारा हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया ना, तो ये नोट कर लीजिए, आप नोट कीजिए। चलिए, जो हमारा ये समांतर श्रेणी दोनों खत्म हुआ, ये अपने यूपी बोर्ड का है। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक
और पार्ट पढ़ेंगे जिसको जिसका लेक्चर हम कल पढ़ाएंगे, उसमें रहेगा कि समान अनंत श्रेणी बनेगी तो क्या होगा, और जैसे मान लीजिए कहीं कॉम्बिनेशन ना समझ में आए कि समानता लगाएं कि श्रेणी लगाएं तो क्या होगा, ठीक है। उसके पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे अपने बोर्ड लेवल पर, कुछ इस तरह से है जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा। चलिए इसको यहीं से काट दे रहे हैं, क्या फायदा फालतू वायर लगाने से। कह रहा है इसमें तीन तीन ओम के प्रतिरोध लगे हुए हैं, सॉरी 30-30 ओम के हैं, और इसमें यहाँ बैटरी लगाई गई है जो कि 2 वोल्ट की है। बताना यह है कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा व विभवांतर ज्ञात करना, यानी हम ये जानना चाहेंगे कि इसमें कितनी धारा जाएगी, इसमें कितनी धारा जाएगी, इसमें कितनी है। अब इस सबके सब तो 30-30 हैं, तो करना क्या है कि सबका नाम डाल दिए, इसका नाम डाल दिए R1, R2 और R3। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि वास्तव में यहाँ से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है ये निकाल लें। तो हम मान लेंगे कि टोटल धारा कितनी प्रवाहित हो रही है ये निकालना है, तो करना क्या पड़ेगा कि सबसे पहले तो हम टोटल प्रतिरोध निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध। थोड़ा गौर से देखकर बताइए कि ये 30 है, ये 30 दोनों किस क्रम में। अरे भाई मान लेते हैं कि यहाँ से I धारा आई तो यहाँ पर कितनी गई, I1 गई, तो यहाँ पर कितनी जाएगी, I-I1 चली जाएगी। अरे बाकी जो बचा वही तो इसमें जाएगी, अब वही I1 इसमें भी आएगी, तो इन दोनों परिपथ में धारा समान आ रही है। समान धारा आएगी तो कौन सा क्रम होगा, श्रेणी क्रम होगा, तो 30 और 30 कैसे होंगे, 60 हो जाएंगे, यानी इन दोनों का कितना आ गया 60, और ये कितना है 30। अब ये 60 के साथ ये 30 कितना होगा, समांतर क्रम में होगा, तो हम लेंगे तुल्य धारा यानी 1/R बराबर 1/30 प्लस 1/60। ये एलसीएम ले लीजिए 60 को, यानी R इक्वल टू कितना आएगा 20 ओम आ जाएगा, यानी टोटल प्रतिरोध कितना आ गया ये बी के बीच, ये व बी के बीच मान लेते हैं एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट यहाँ पर बी है, टोटल प्रतिरोध कितना आ गया 20 ओम। अब हम देखेंगे कि परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर क्या होता है, V/R, कितनी वोल्ट की बैटरी है 2 और धारा कितनी है 20, 0.1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 0.1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब देखिए हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो 2 वोल्ट बैटरी है तो इसमें भी 2 वोल्ट लगेगा और इधर भी 2 वोल्ट होगा ना, क्योंकि दोनों किस क्रम में है, समांतर। अब जब ये 2 वोल्ट आएगा तो होगा क्या कि ये जो यहाँ पर लगा है B1 नाम देंगे, इसमें 1 वोल्ट यहाँ हो जाएगा और 1 वोल्ट यहाँ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों जो है श्रेणी क्रम में जुड़े तो विभव बढ़ेगा। हमने बराबर वोल्टेज क्यों दिया, क्योंकि दोनों का प्रतिरोध बराबर है, धारा समान जा रही है तो वोल्टेज प्रतिरोध बराबर है तो वोल्टेज भी बराबर देना पड़ेगा। तो जो 2 वोल्टेज आया इसमें, इस सर्किट में 2 वोल्ट का करंट आया, कितने वोल्टेज का 2 वोल्टेज, तो 1 वोल्ट इसका हो गया और 1 वोल्ट इसका हो गया, इसका कितना आ गया फिर 2 वोल्ट आ गया। यानी पूछ रहा था कि प्रत्येक परिपथ में धारा का पर विभव का मान निकालिए, तो हम कहेंगे जो V1 का मान होगा 1 वोल्ट होगा और वही V2 का मान भी 2 वोल्ट होगा, लेकिन V3 का मान भी 1 वोल्ट होगा, यानी इसमें वोल्टेज क्या होगा 1-1 वोल्ट का होगा, 1-1 वोल्ट का होगा और ये क्या होगा 2 वोल्टेज का होगा। अब धारा निकालना है, अब बताइए ये तो हम R1 में प्रवाहित धारा की बात करें, R1 में प्रवाहित धारा तो I बराबर क्या हो जाएगा V/R, मान लेंगे R1 है यहां V1 R1, यहां पर कितना वोल्ट है 1/
अरे भाई प्रतिरोध कितना है, 30 ओम है, वोल्टेज कितना है 1 वोल्ट का, तो इसमें कितनी धारा जाएगी, 1/30 एम्पीयर की धारा जाएगी। तो हम ये देखें कि 1/30 इसमें जाएगी तो इसमें भी 1/30 जाएगी, मतलब जितना हमारा I1 होगा उतने ही I3 होगा और वो कितना होगा 1/30 एम्पीयर होगा, ठीक है 1/30 एम्पीयर का होगा। आप देखेंगे कि इसमें कितनी धारा है, क्योंकि भाई इसमें तो I1 जा रहे, तो इसमें क्या है I-I1 है, तो R2 में प्रवाहित धारा I2 बराबर V2 अपान R, बोलो। अच्छा V2 कितना है, 2 वोल्ट है, और R2 कितना है 30, इतने तो है, इतना एम्पीयर मान लीजिए, ठीक। I2 का मान कितना आ जाएगा 2/30 एम्पीयर, बोले तो 1/15 एम्पीयर। अब बताइए किस में धारा ज़्यादा जा रही है, करंट का मान किस में, इस सर्किट में ज़्यादा है या इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि इसमें एक ही प्रतिरोध लगा है तो ज़्यादा धारा लेगी, इसका वोल्टेज भी ज़्यादा होगा, धारा भी ज़्यादा होगी, यानी ये तेज़ी से जलेगा, क्यों, क्योंकि इसके साथ समांतर में जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें जो धारा का मान है 1/30 एम्पीयर है, ठीक है, तो ये नहीं जलेगा इसका। अब देखिए हम चाहें कि टोटल धारा कितनी आई थी 0.1 एम्पीयर, आपको टोटल धारा दिखाएं कितना आएगी, टोटल धारा I1 प्लस I2, I1 के मान कितना है 1/30, अब I2 का मान 2/30, 3/30 काट दीजिए, 1/10 बोले तो 0.1 एम्पीयर। यानी हम एक चीज़ और यहाँ निकाल सकते थे, हम ये तरीका ना लगाएं, प्रतिरोध को ना जोड़ें, फिर भी हम धारा निकाल देंगे, कैसे, वोल्टेज को बांट देंगे, यहाँ पर दोनों में समान वोल्टेज होगा लेकिन ये दोनों श्रेणी में है, वोल्टेज अलग अलग हो जाएगा, जितना इनका होगा उतना इनका हो जाएगा, ठीक है, तो क्लियर हो गया। ओके दोस्तों इसको नोट कीजिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। आगे का लेक्चर हमारा कल होगा, तब तक के लिए गुड बाय।